थर्ड ईयर फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के बच्चे आप लोग देखे इसमें क्या है, कॉलम बेस कनेक्शन। ये आपका जैसे आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था कॉलम, आरसीसी कॉलम पढ़े थे आपने, ठीक है। जो है जैसे आरसीसी कॉलम पढ़े थे उसी के आधार पर आरसीसी कॉलम ना दे करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो है गडर, आप जानते हैं आई सेक्शन एच सेक्शन, ठीक है। नहीं जो है तो ये इनके सहायता से हम क्या करते हैं कॉलम और बीम देते हैं, ठीक। तो स्टील कनेक्शन, ठीक है जो है। तो उस टाइप उसके लिए आपको क्या करना क्या दे रखा है, तो एक हम क्वेश्चन के आधार पर हम आपको ये समझा रहे हैं, ठीक है। ये तो अभी सिंपली एक पार्ट एक हम उसका दिखा रहे हैं कि एक आपका गडर जो है उसको हमने क्या किया वर्टिकली स्टैंड खड़ा कर रखा है, क्या कर रखा है उसको खड़ा कर रखा है, ठीक है। एक मतलब मेन चीज यहाँ से देखेंगे एच ए प्लान में देखेंगे तो एच है, एच सेक्शन में है। तो इस गडर को आप इंडिकेट अपने माइंड में मेकअप करें तो इसको हमने क्या कर रखा है वर्टिकल सपोर्ट खड़ा कर रखा है। तो हम सामने से देख रहे हैं तो उसको क्या होगी इसकी ये हमारी जो क्या है ये फ्लैंज इसकी क्या होगी मोटाई आएगी, क्या आएगी इसकी जो, ठीक है। मतलब आई सेक्शन जो आएगा तो हमारा क्या आएगा, यह प्लान के आधार पर आप देखते हैं ये इंडिकेट मान के चलिए ये कह रहा हूं मैं, देखिए इस टाइप से इसको हमने वर्टिकल कर रखा है, वर्टिकल कर रखा है तो इसको वर्टिकल खड़ा कर रखा है तो हमको क्या दिखाई देगी ये मोटाई दिखाई देगी और ये मोटाई दिखाई देगी, ठीक है। तो वह चीज आपकी ये है वर्टिकल में कितनी इसकी मतलब हाइट है उसके अकॉर्डिंग हमको ये चीज इसकी मोटाई ये है, ठीक। इसके इसके साथ ही हम क्या करते हैं जब इसको प्लान में रखा है तो आप देखिए जब प्लान में यूं रखेंगे ऐसे करके रखेंगे तो आपकी क्या आएगी ये दो लाइन ये आएगी और ये प्लांट्स पे हम जब देखेंगे तो इसका मतलब क्या दिखेगा ये आएगा ना लाइन में और ये आएगा, ठीक है। तो वो चीज आपकी मतलब ये ऊपर से ये पोर्शन जो आएगी दो लाइन हमारी इसमें आ रही है, ठीक है। तो ये आई जो शेप मैंने यहाँ पर बना रखा है वह शेप आपका ये आ रहा है जिसको हैचिंग कर रखा है, उसको अभी समझाते हैं क्योंकि हैचिंग क्यों कर रखा है इसको। यहाँ से हम इमेजिन मानते हैं कि यहाँ से हमने क्या कर रखा है काट रखा है, अगर इमेजिन करो हमने क्या कर रखा है काट रखा है। तो सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। तो इसके बगल में हमने क्या लगा रखा है ये लिखा भी है, ये हमारा क्या पोर्शन है बेस प्लेट, तो हमारा कौन सा आ गया देखिए एलिवेशन में ये आ रहा है, प्लान में ये आ रहा है, ठीक। ऐसे इस साइड आएगा ये और इसके बगल में हमारा क्या आ रहा है कि ये पोर्शन क्या रखा है एक फ्लैंज प्लेट लगा दी, मतलब मेन चीज जैसे हमने ये कर रखा है तो साइड में कसने के लिए हमने क्या किया एक फ्लैंज प्लेट लगा रखी है, ठीक है। वो फ्लैंज प्लेट आपकी ये देखिए प्लान में यहाँ पर देखिए ये है हमारी फ्लैंज प्लेट, कौन सी है आई एच एच आपको ये दिखाई दे रहा है, एच के बाद हमारा ये क्या पोर्शन है फ्लैंज प्लेट, ये क्या है फ्लैंज प्लेट। तो इसका मतलब हमारा फ्लैंज प्लेट कौन सा है ये है, ठीक। इसको जब काटेंगे तो प्लान में हमको ये चीज दिखाई दी, ठीक। उसके बाद क्या है आपका गसट प्लेट, ये क्या है फ्लैंज प्लेट के बाद हमने क्या कर रखा गसट प्लेट, वो आर पार आपकी लगी गसट प्लेट, ठीक। ये क्या है गसट प्लेट, ठीक है। आराम से समझिए ये आपका एच दिख रहा है इतना पोर्शन, ये देखो ये पहले इस सिंबल को बनाएंगे आप जो है एच सिंबल आ गया फ्लैंज प्लेट आ गया फिर मेरी ये गसट प्लेट आ गई, ठीक है। ये गसट प्लेट के बाद हमारा जो ये एलिवेशन में दिखा रखा है ये क्या है यहाँ पर क्लीट लगा है, क्या लगा है क्लीट क्लीट लगा है, तो अभी पढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। हेलो
देखिए ये एच सेक्शन, ये हमारा क्या है, ये फ्लैंज प्लेट, ये हमारा क्या है गसट प्लेट, और ये हमारा क्या है, ये जो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्लीट है। तो क्लीट का जो पोर्शन है मैं ऊपर यहाँ से कटा तो इतना पोर्शन हमारा क्या आ जाएगा, ये एलिवेशन में आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद इतना क्लीट है तो ये चौड़ाई जो आ रही इसकी चौड़ा ना जा रही है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये बेस प्लेट दे रखी है, बेस प्लेट इससे बढ़ करके तो उसकी ये लाइन है। ठीक, आराम से समझिए। देखिए प्रक्षेप कीजिए, देखो ये हमारा क्या है, सबसे पहले बेस प्लेट है, बेस प्लेट है, ये हमारा क्या है गडर के हमारे मेन चीज हमारा ये क्या है जो ISMB दे रखा है 300x300 दे रखा है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए इसको हमने क्या क्या, ये एलिवेशन है और ये मेरा क्या है प्लान है। ठीक है, ये हमारा क्या है प्लान है, इसी को मैंने क्या कर रखा है काट करके। तो आप समझिए कि बेस प्लेट, फिर हमारा क्या है ये पोर्शन, ये और ये। ठीक है, ये पोर्शन किसका है, प्लान देखिए, ये इसकी और इसकी मोटाई है ये। ठीक है, इसका मतलब ISMB 300x300 लिखा ना यहाँ पर जो है। ठीक है, तो इसकी मोटाई ये है, इसकी मोटाई ये है। ठीक, फिर ये हमारा क्या फ्लेंज प्लेट है, तो फ्लेंज प्लेट हमारा कौन सा है, ये है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, ये गसट प्लेट है, गसट प्लेट। ठीक, और उसके बाद ये क्लीट का जो पोर्शन, ये हमारा देखिए ये क्लीट का पोर्शन, ये इतना पोर्शन देखिए ये किस में आ रहा, मेरा जो है एलिवेशन में आ जाएगा, और क्लीट का ऊपर से प्लान में देखेंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये चौड़ाई में आ जाएगा, किस में आएगा चौड़ाई में। ठीक, जैसे इधर है ऐसे इधर सेम इस टाइप से ये वर्टिकल हमारा क्या है, जब इस चीज को हमने कोई क्या कर रखा है, गडर को हमने क्या किया, सीधे सीधे आपने पहले सबसे पहले बेस प्लेट दी। ठीक, फिर आपने गडर खड़ा किया, एच सेक्शन प्लान में एच सेक्शन दिखाया दे रहा, वर्टिकल रखोगे तो आपको क्या दिखाई, एक मोटाई दो मोटाई। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, फ्लेंज प्लेट लगा रखी है, फ्लेंज प्लेट लगा रखी है, फिर उसके बाद क्या लगा रखा है, गसट प्लेट, फिर हमारा इस टाइप से हमारा क्या बेस प्लेट है, बेस प्लेट में ऐसे और ऐसे करके क्या लगा रखा है, क्लीट है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या करना, अपने माइंड में मेकअप करो। ठीक, उसी चीज़ को मैं सामने से देख रहा हूँ तो वो ये पोर्शन बन रहा है। ठीक, और उसी का प्लान हम ऊपर से अगर काट के देखते हैं तो हमारा ये पोर्शन बन रहा है, हमने कहाँ से काट रखा है, इस पोर्शन को हमने देखिए ये कट रहा है, सेक्शन में दिखाया है। ठीक है, ये सेक्शन में आ रहा है। ठीक, तो ये और ये चीज़ें नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमने क्या करा है, इसको ऊपर से ऐसे काट रखा है, कहाँ से ऐसे काटा, तो वो पोर्शन तो हमारा सेक्शन में आ जाएगा, बाकी पोर्शन मेरा किस में आ जाएगा, एलिवेशन में आ जाएगा, किस में आएगा एलिवेशन में। अब ऐसे ही उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यहाँ से देखेंगे, आप ऐसे काटोगे या इधर से काटोगे वो आप पर डिपेंड है। अगर मान लो क्लीट को होते काटोगे तो स्थिति चेंज हो जाएगी, और उसे बढ़ कर के पीछे काटोगे तो स्थिति चेंज हो जाएगी, वो आप पर डिपेंड है। लेकिन आपको मेन ये समझना कि गडर को हम पुनः क्या कर रखा, वर्टिकल खड़ा कर रखा है। एक सामने से देखेंगे तो आपकी ये दो मोटाई दिख रही है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जितनी ये फ्लेंज है इसके ऊपर क्या लगा रखा हमने, जो है फ्लेंज प्लेट लगा रखी है। ठीक, फिर उसके बाद गसट प्लेट है, फिर उसके बाद प्लेट लगा रखा है इधर भी और इस साइड भी। ठीक है, उसी चीज़ को हम सामने से देख रहे हैं, ये हमारा क्या है बेस प्लेट है। ठीक, और ये तो अभी यहाँ तक दिखा रहा है, इसके बाद ये क्या होगा, फाउंडेशन जब इसकी बनेगी तो तब उस केस में इसका क्या आ जाएगा, फाउंडेशन बनेगी। ठीक है, तो ये जो नट बोल्ट दिखा रखे तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, फाउंडेशन बन जाएगी। अभी आपको फाउंडेशन ही दिखा रखी है तो ये फाउंडेशन हो जाएगा, तो ये भी कटेगा तो ये मेरा किस में आ जाएगा, फाउंडेशन में आ जाएगा। हो सकता बेस प्लेट से ये दूरी होगी तो यहाँ पर चारों तरफ हमारी क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। इसी के बराबर अगर होगा तो तब इसी ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, मान लें सपोज ये यहाँ तक होगा तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, एक लाइन फिर चारों तरफ से फिर आ जाएगी। मतलब कहने से इसकी चौड़ान क्या है, बेस प्लेट से अगर बढ़ करके होगी तो यहाँ पर प्लान हमारी क्या आ जाएगी, एक लाइन क्या हो जाएगी, अलग से आ जाएगी। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, फ्रंट एलिवेशन है, और ये हमारा क्या है, प्लान है। ठीक, तो इस टाइप से इसको नीट एंड क्लीन करके इसके जो डाटा दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाए, वहाँ की जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके आधार पर आप बनाएंगे। ठीक है, जैसे इसको बना रखा है उसी टाइप से हम क्या कर रहे हैं, इसको साइड से देख रहे, साइड से देख रहे हैं तो क्या देख रहा है, ये बेस प्लेट है, ये है। ठीक, बेस देखिए, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना आ रहा है, जो नीचे की जो लाइन है, ये बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट, इसका मतलब ये जितनी मोटाई इसकी है वो ये है, ये हमारा क्या है, बेस प्लेट। ठीक है, और कितनी इसकी चौड़ाई दे रखी है वो चीज़ आ जाएगा। बेस प्लेट के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लीट है, तो ये इधर से साइड से देखेंगे तो इसका प्रक्षेप खींचे तो ये हमारा किसका आ जाएगा, ये क्लीट की क्या आ जाएगा, मोटाई एलिवेशन में आ जाएगी। बाकी क्लीट जो ऊपर है आपका वो ये लाइन आ जाएगी। ठीक, इसमें आपके क्या लगे रखे हैं, इसको जो है ये मतलब इसको रिवेट से आपने क्या कर रखा है, मतलब इसने क्या करा है, रिवेट लगा रखे हैं, तो आपके ये रिवेट आ दिखेंगे आपको एलिवेशन में। ठीक, इसमें दिखेंगे एलिवेशन में, जो भी रोल होगी जितनी भी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग आपको ये लगेगी। ठीक है, बाकी आप उसके बाद देखिए, बेस प्लेट ये है, ये क्लीट का एलिवेशन में है, ये क्लीट का ऊपर वाला पोर्शन, ये पोर्शन आ जाएगा, ये रिबेट लगे पड़े हैं, ये पोर्शन आ जाएगा काउंटर सैंक अपना। ठीक है, ये बोल्ट, उसके बाद आपका अब ये हमारा क्या है, ये देखिए इसका प्रक्षेप यहाँ तक आ रहा है, ये टेपर इस टाइप से क्या कर रहा है, जो हमारे क्या है, गसट प्लेट है, तो इस शेप में आई हुई है, नीचे से प्लेन फिर पश्चे इस साइड से क्या है, तिरछा करके आई हुई है, तो ये पोर्शन हमारा क्या आ रहा है, गसट प्लेट का आ रहा है। इससे भी इसमें भी क्या लगे है, रिवेट से आपने फिक्स कर रखा है, इसको दिखाएंगे। ठीक, और उसके बाद हमारा ये आपका साइड से जो हमारा गडर है, तो साइड का इधर सा इधर का पोर्शन ही आ जाएगा, बीच की जो मोटाई है उसको किससे कर रखा है, ये डॉटेड से कर रखा है, क्योंकि ये जो पोर्शन है तो इस साइड से देखेंगे, उस साइड से मतलब मेन चीज, ये तो प्लान में हमारा आ गया, तो अब इसको क्या करेंगे, हम इधर से देखा तो ये वाला पोर्शन बना था आपका, तो ये देखिए, इसको साइड से देखें तो ये लाइन आएगी, तो इसका मतलब एक लाइन ही है, प्लस ये मोटाई हमारी किससे दिखा देगी, डॉटेड करके हमने इस ढंग से इसमें साइड में दिखा दिया, तो ये हमारा क्या है, साइड एलिवेशन, ये क्या है, साइड। ठीक, फिर समझिए, ये हमारा क्या है, एलिवेशन है, ये हमारा क्या है, प्लान है। ठीक, आराम से इंडिकेशन कर आपको समझा रहा हूँ, आप गडर, ठीक है, रेलवे की लाइन एक पटरी जो जाती है, उस गडर को आप अगर हम क्या करते हैं, यूँ जा रहा प्लान में अगर देखते हैं तो साइड की ये मोटाई, साइड की ये मोटाई आती है, ये और ये है। ठीक, और बीच की जो गैप है आपकी ये है। ठीक, ये तो प्लान की बात आ गई, और एलिवेशन में जब देखते हैं, मतलब इसी चीज़ को हम ये मान के चलते हैं कि इस गटर को हमने क्या करा, वर्टिकल खड़ा कर रखा है, क्या कर रखा है, वर्टिकल खड़ा कर रखा है, तो उस केस में क्या आएगी, ये पोर्शन, ये क्या आएगी, मोटाई, ये क्या आ जाएगी, मोटाई, वर्टिकल सब ऐसे करके रखेंगे तो ये बीच का हमारा गैप प्लस ये फ्लैंज की प्लेट ये आ जाएगी हमारी जो है, ऐसे इधर मोटाई, ऐसे क्या आ जाएगी, इधर मोटाई। ठीक है, अब इनको वर्टिकल करने के बाद क्या कर रखा है, उसने क्या कर रखा है, यहाँ पर फिर इस साइड को क्या कर रखा है, इस साइड वर्टिकल किया हमने, तो क्या लगा यहाँ पर बताइए, ये इसमें हमने क्या किया है, ये फ्लैंज प्लेट वर्टिकल यूँ रखा है, तो एक तो हमने क्या लगाया इसके साथ, इस तरफ भी और इस तरफ भी फ्लैंज प्लेट। ठीक, फ्लैंज प्लेट लगाया, फिर क्या लगाया है, गसट प्लेट, फिर क्या लगाया है, प्लेट, ऐसे और ऐसे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्लैंज प्लेट है, ये हमारी क्या है, गसट प्लेट है, ये हमारी क्या है, क्लीट है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और बाकी अब आपकी जो फाउंडेशन बनेगी तो इस टाइप से रखा है, तो अब क्या करेंगे, गटर का जो वर्टिकल कर रखा, तो इसमें भी क्या कहूँ, जो बीच की गैप है
ऐसे और ऐसे भी हम क्या करें, क्लीट लगाएंगे। तो जो ऐसे लगा रखा था वो क्या जाएगा, मोटाई पा जाएगा, और जो ऐसे रखा हुआ एलिवेशन में आ जाएगा। तो वो चीज ये है आपका, ये एलिवेशन में दिख रहा है ठीक। और ये आपका मतलब बेस प्लेट की मतलब मेन चीज क्या जा रही जो है, ये हमारा जो है ये बेस प्लेट की। और फाउंडेशन इसमें अभी हमने इतना दिखाया है, लेकिन फाउंडेशन होगी तो क्या होगा, इसके लिए फाउंडेशन गहराई या चौड़ाई कितनी है, उस चीज को भी आपको क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे ठीक है। कितना वो जितना दिया होगा आपको, उस चीज में ये क्या आएंगे, तभी हम इनको क्या करेंगे, ये हुक बोल्ट लगा रखे हैं चार बोल्ट, ये प्लान में दिखा रखे हैं ये इसका मतलब चार बोर्ड नट बोल्ट से इसको क्या कर रखा है, कंक्रीट ब्लॉक में जाम कर रखा है ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक में जाम कर रखा है। तो उसी आधार पर आप क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। तो प्लान में आपको क्या दिखा, प्रक्षेप खींचिए गसट प्लेट, अभी इसको न मान करके हमने क्या सिर्फ गसट प्लेट दिया है, तो गसट प्लेट का प्रक्षेप भी आ गया। फिर कितना गैप है, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये लाइन ये आ गया, और ये पोर्शन मेरा किसका आ गया, क्लीट का आ गया। इसमें आपके क्या लगे हैं, बोल्ट लगे हैं इधर, और इधर ये दिखाई दे रहा है, और ये पोर्शन हमारा क्या रहा, ऊपर से देख रहे हैं तो इसकी मोटाई ये आ गई, और बाकी ये कट रहा हमारा, कौन कट रहा है, ये कट रहा हमारा क्या है, गसट प्लेट, ये गसट प्लेट कट रही है ठीक। तो ये जो गसट प्लेट कट रही है तो उसका हमारा यह आ जाएगा ठीक। और फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जो है प्लंज की इसकी जो मोटाई है वो पोर्शन ये दिख रहा है ठीक। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई सेक्शन। तो आई सेक्शन में भी देखिए, फिर ये पोर्शन हमारा यहाँ प्लान में एच आ रहा है, ऐसे भी क्लीट लगी है और ऐसे भी लगी है, ऐसे और ऐसे। तो जो ऐसे लगी हुई है वो हमारी एलिवेशन में आ रही है, और जो ऐसे लगी है ऊपर से देख रहे हैं तो वो चीज़ हमारे किस में आ जा रही है, प्लान में आ जा रही है। मतलब ये चीज़ जो है चौड़ान में लंबाई चौड़ान जो दे रखी है उसमें आ जा रही है ठीक है। और इसी तरह से आपका क्या है, साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन आपको फिर बताया, सीधे सीधे प्रक्षेप खींचना है, ये बेस प्लेट अगर कंक्रीट का ब्लॉक होगा तो तब उसके इसमें कंक्रीट का भी दिखाएंगे साइड में ठीक है। और फिर आपका ये बेस प्लेट आ गया, फिर यहाँ पर क्लीट की क्या मोटाई है, ये पोर्शन आ रहा है, फिर ये हमारा पोर्शन क्या है, गसट प्लेट का है, नहीं ये पोर्शन हमारा किसका है, देखिए क्लीट एलिवेशन, इसकी मोटाई, इसमें रिवेट लगे हैं, रिवेट आ गया ठीक है। और ये गसट प्लेट इस शेप में आ रही है ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी क्या है, ये इस तरह से आपको क्या करना है, साइड एलिवेशन भी आपको बनाना है ठीक है। इसी तरह से आपको जैसे एक चीज ये दिखा रहे थे, इसी तरह से आपको क्या है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है, जैसे गडर है तो इसको आपको क्या करना, स्टील स्टेशन करके है तो आप क्या करें, गडर को वर्टिकल कर रखा है मेन ठीक। फिर उसके बाद आपने जैसे क्रॉस बीम डालते हैं हम जो है, क्रॉस मतलब चारों तरफ ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे ठीक है। आपको सेंड भी कर रखा है, उसको देखेंगे, इसकी सहायता से आपको क्या करेंगे, उसको भी आप बनाएंगे ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको उसको बता दिया जाएगा, तो अभी आप इस चीज़ को उसको ड्रा कर रहे हैं। इससे पहले आपको स्टील ट्रेस भेज रखी थी, स्टील ट्रेस और फेंग का ट्रेस, उसको भी आपको बनाना है ठीक है। भाई ठीक है ना।